खबर। सोने और डायमंड का लालच देकर 200 लोगों से ठगे 3 करोड़ रुपए। नागौर जिले में डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है और ठगी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गई है। और यह ठगी केवल 2-4 लोगों के साथ ही नहीं बल्कि नागौर सहित अन्य जिले के 200 लोगों के साथ की गई है। ठगी में कंपनी के डायरेक्टर सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के मेंबर द्वारा एजेंट के जरिए मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े लोगों को पहले सदस्य बनाया जाता, फिर चेन सिस्टम के जरिए निवेश के अनुसार उपहार देने का प्रबोधन दिया जाता है। खुलासा तब हुआ जब निवेश के मात्र 10% मूल्य के सोने के उपहार को नकली हाथों में थमा दिया गया था, जिसके बाद सदस्यों को मामला समझ में आया कि उनके साथ ठगी हो रही है और आखिरकार अपनी गाड़ी कमाई का रुपया कंपनी में जमा करने के बाद आखिरकार उन्होंने कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना।